तो गाइज़ ये हो गया एक बैग और ये हो गया एक बैग, ठीक है। दोनों बैग लेकर हम चले जाएंगे आज पूरी। और हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं जाऊंगा पूरी धाम, ठीक है। और अभी तो निकलूंगा थोड़ी देर बाद। अभी तो हमारा ट्रेन है खड़गपुर से, 9 बजे से, 9 बजे में खड़गपुर में है। जो हमारा एक्सप्रेस है, मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि मैं कौन से ट्रेन में आज सफ़र करने वाला हूँ, ठीक है। और गाइस, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो मुझे निकलना पड़ेगा। अभी तो बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। मैं निकलूंगा 6:15 में, क्योंकि हमारे घर से खड़गपुर स्टेशन बहुत दूर है दोस्तों। तो इसीलिए हमको जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लेट हो जाएंगे, फिर ट्रेन मिस हो जाएगा, हम पूरी जगन्नाथ धाम का दर्शन कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए इस ब्लॉग को एकदम अंत तक। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा जो भी कुछ बोलो, हम सफर अनुपम, ठीक है दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लो, जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे ब्लॉग आने वाला है पूरी से जुड़ी हुई, क्योंकि पूरी में हम बहुत साइट सीन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो सब कुछ दिखाएंगे आपको। और गाइज एक बात और बोल दूं कि मेरा तो बैकपैक हो गया, मैं अभी निकलूंगा थोड़ी देर बाद। तब तक बने रहिए, देखते रहिए क्या क्या होती है आज नाइट में सफर होना, तो मजा आ जाएगा दोस्तों। चलो फिर देखते हैं। सो गाइस, ट्रेन हमने पकड़ ली है हावड़ा स्टेशन से, और देख सकते हो हमारा ट्रेन भी छोड़ दिया। देखते देखते दोस्तों हम धीरे धीरे पहुंच गए हमारा जो डेस्टिनेशन स्टेशन खड़गपुर स्टेशन में। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ खड़गपुर स्टेशन। अब इधर से ट्रेन पकड़ूंगा, वो ट्रेन तो अभी बाकी है, बहुत दूर जाना, बहुत टाइम है। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ। हमारे लोग पूरा चल रहे हैं आगे, देख सकते हो। सो गाइस, हमारे इधर खाना कंप्लीट हो गया, डिनर हो गया कंप्लीट, ठीक है। सभी को पूरा टीम देखो अभी तो खा रहा है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी तो हमारा ट्रेन आने वाला है और 10:30 बजे हमारा ट्रेन छोड़ेगा इधर से, ठीक है। तो मैं अभी तो ट्रेन में उठा नहीं, ट्रेन आया भी नहीं है। ट्रेन आने के बाद फिर ट्रेन में हम चढ़ेंगे, तो देखते रहिए कि कैसे हम कौन सा ट्रेन में आते हैं। मैं अभी तो नहीं बताऊँगा, आप सभी को बताऊँगा, लेकिन ट्रेन को आने दो, फिर बताऊँगा कि कौन से ट्रेन में सफ़र होने वाली है, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो को दोस्तों। तो गाइज, फाइनली बहुत टाइम के बाद हमारा जो ट्रेन है वो आ चुका है, देखो। जो कि शालीमार से होते हुए पुरी जाता है, देख सकते हो आप, देखते रहिए दोस्तों। गाइज, ये जो एक्सप्रेस है ये इधर 4 मिनट के लिए खड़ा होगा, और बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, तो धीरे धीरे हम लोग लगेज वगैरह सब कुछ जो थे और हमारा साथ जो आए थे सब कुछ एकदम ठीक ठाक लेकर ट्रेन पर चढ़ चुके हैं। और अभी के बज रहे हैं दोस्तों 10:30, ठीक है, रात का। सो गाइज, देख सकते हो मैं तो अभी जो ट्रेन पे हूँ वो है, उसका नाम है गरीब रथ एक्सप्रेस, ठीक है गाइज। तो गरीब रथ एक्सप्रेस में मैं हूँ अभी, और बाहर खड़ी हुई हूँ, मैं तो अंदर गई नहीं अभी, मैं अंदर जाऊँगा। हमारा सीट फीट सब कुछ बुकिंग हो चुका है दोस्तों। आज का जो डे है वो फर्स्ट डे है, सो फर्स्ट डे पे हम तो पूरी रात में एकदम ट्रेन पे ही रहेंगे और ट्रेन पे ही सफ़र करेंगे। और गाइज एक बात बता दूँ कि चलो मेरे साथ देख लो, सेकेंड टाइम मैं इसी पे सफ़र कर रहा हूँ। इससे पहले बार जब मैं पूरी गया था तो शताब्दी एक्सप्रेस में किया था, लेकिन आज मैं हूँ गरीब रथ एक्सप्रेस में। और बहुत ही सा मिराकल हो गया कि एक दिन में ना टिकट वेटिंग लिस्ट 27 दिन का था वो कन्फर्म हो चुका है, ठीक है। तो चलो फिर दिखाता हूँ कि गरीब रथ में अगर आप आ रहे हो ना, तो इसका जो कंपार्टमेंट है बहुत ही अच्छा है, और एसी भी ठीक है, ठीक ठाक है, 3 टायर AC है, बहुत ही अच्छा है। बाथरूम भी बहुत परिष्कार है, मतलब क्लीन है। तो चलो मेरे साथ अंदर चलो, अंदर जाके देखते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये है डोर, और इसको खुलने के बाद ये इधर से बंद होता है, और इसको खुलने के बाद देखिए पूरा अंधकार छा हुआ है, ठीक है। और ये है कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट कुछ ऐसा है दोस्तों, देख सकते हो। इधर सब लेट चुके हैं, अभी मैं भी लेटूंगा थोड़ी देर बाद। और दोस्तों ये है मेरा सीट नंबर मिडिल वाला, चलो उधर के, तो उधर से थोड़े से घूम के आते हैं। देखो इस साइड अभी तो रात हो चुका है, सभी सो गया है, तो सभी साइड में क्या है कि
ज़्यादा बोलने से लोग उठ जाएगा, फिर कॉम्प्लेन कर देगा, ठीक है। तो गाइस चलो बाहर जाके बात करते हैं। दरअसल दोस्तों अंदर में ना सब लोग लेटे हुए, अभी तो रात हो चुका है तो सब सो गया है, ठीक है। इसी के लिए मुझे बाहर आना पड़ा, साउंड के लिए भाई सॉरी, ठीक है। और चलो हम भी थोड़ी देर बाद सो जाएंगे शायद, या फिर गाना वगैरह कुछ कर लेंगे शायद, वो पता नहीं कि हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे, सो जाएंगे या गाने वगैरह कुछ होगा। तो चलो अंदर जाके तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लेंट हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सब सो रहा है। तो गाइस शायद मैं कल भी आपसे बात करूँगा एकदम। तो गाइस आज गुड नाइट सभी को, और डे नाइट का सफ़र हमारा ऐसा ही चला जाएगा ट्रेन पे रात में। और साउंड के लिए थोड़ा सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। कल एकदम सुबह में उठ के बात करते हैं, ठीक है गाइस। गुड नाइट गाइस, सभी को गुड नाइट। टाटा दोस्तों, सोने के लिए देख सकते हो ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से ये दी गई है 2 बेडशीट और 1 पिलो। फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है और एक रात ट्रेन पे बिताने के बाद हम लोग आ चुके हैं पुरी। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं पुरी धाम, ठीक है। और हम उतरेंगे, आप चलो उतरते हैं। तो गाइस देखो ये सुबह का जो पुरी स्टेशन है वो है, और हम अब पुरी स्टेशन आ चुके हैं। और ये हमारा ट्रेन पुरी शालीमार गरीब रथ एक्सप्रेस टाइम से पहले ही पहुंच दिया। बहुत भीड़ है भाई पुरी स्टेशन पे, ठीक है। ट्रेन खड़ा हुआ है अभी, तो बहुत सारे पैसेंजर उतर रही है ट्रेन से, हम भी इधर जा रहे हैं भाई। पुरी स्टेशन के बाहर ना ये जो तिरंगा का जो एकदम सुंदर सा दृश्य, बहुत ही अच्छा था। सो गाइस हमने पुरी स्टेशन जो है वो क्रॉस कर लिया है, अभी तो ऑटो में उठूंगा, तो इसीलिए इधर से ऑटो पकड़ना पड़ेगा हम सभी को। तो इस साइड आया है हम ऑटो पकड़ने के लिए। बहुत सारे तीर्थयात्री जो है वो देखिए सभी इस साइड ही जा रहे हैं, ठीक है। और हम भी चल रहे हैं इस साइड ऑटो पकड़ने के बाद, फिर हम जाएंगे होटल, होटल तो उधर बुक किए। तो चलिए फिर मिलते हैं एकदम पूरे ऑटो पे जाके, क्योंकि इधर बहुत सारे भीड़ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऑटो पे। जो भी भाई लोग इधर पुरी आ रहे हो, एक बात याद रख लो, ये है ऑटो स्टॉप, ठीक है। पुरी स्टेशन से एकदम दाएं तरफ जाने पड़ेगा, ठीक है। ऑटो स्टैंड पे जाकर अब बर्गेनिंग ज़रूर करना, क्योंकि ये लोग बहुत उल्टा साधा सीधा बात करती है और ज़्यादा भाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बर्गेनिंग करने के बाद ही आप गाड़ी पे उठो, नहीं तो ये चीटिंग कर देगा तुम्हारे साथ। और दोस्तों देख सकते हो हमारा जो रास्ता, बहुत दूर हम आ चुके हैं, स्वर्ग द्वार भी पूरी क्रॉस कर चुके हैं। क्रॉस करने के बाद दोस्तों ये है समुंदर के किनारा। तो चलो मिलते हैं आपको होटल पे जाके। फाइनली गाइस मैं आप पहुंची हमारे होटल जो है हमने बुक किया था, वो होटल पे आ चुका हूँ। और बहुत गर्मी है इधर अभी, तो क्या बज रहा है, अभी बज रहा है 6 बज रहा है, ठीक है। अभी से बहुत गर्मी पड़ चुका है दोस्तों इधर, और पुरी है तो पुरी में तो हमेशा ही गर्मी ही रहता है ज़्यादा। तो और एक बात है कि ये समुंदर से एकदम सामने है, तो इसीलिए इस गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन और एसी से निकलने के बाद गाइस जो हाल हुआ ना वो जानते हैं। तो चलो एकदम मिलते हैं होटल पे जाके, और नहा धो के एकदम बात करते हैं, ठीक है। कुछ खाए भी नहीं है अभी तक, खा के बात करते हैं दोस्तों। चलो अभी सुबह सुबह हम आ चुके हैं, तो इसीलिए होटल पे वेटिंग रूम पे हम वेट कर रहे हैं, होटल पे रूम नहीं दिया गया है। और दोस्तों अभी हम चाय पीने आए इधर, चाय पी के बहुत टायर्ड है हम, कल से ठीक से नींद नहीं हुआ, तो चाय पी के फिर बात करते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, चाय नाश्ता करके हम सीधे आ गए हैं, देख सकते हो समुंदर के पार, ठीक है। और देखिए दोस्तों अभी तो सुबह सुबह बहुत सारे लोग इधर आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं तो अभी नहाऊंगा नहीं, सिर्फ देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि होटल तो अभी तक खुला नहीं है, तो इसीलिए मैं इधर आ चुका हूँ, क्योंकि होटल तो 8 बजे तक खुलेगा, अभी तो 2 घंटे बाकी है होटल खोलने में, तो इसीलिए मैं इधर आ चुका हूँ। बहुत सारे लोग इधर आए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं, देख लीजिए एक बार, मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है।
दोस्तों अभी तो सुबह हो चुका है और सुबह का जो समुंदर पुरी का श्री क्षेत्र का जो समुंदर है वो कुछ ऐसा नज़र आ है, बहुत 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 ही अच्छा था दोस्तों। पूरी आ रहे हो, फिर मैंने सोचा कि इधर भीड़ इतना क्यों लगी हुई है, तो जाकर देखा कि वो समुंदर से एकदम ताज़ा ताज़ा मछलियाँ और कुछ स्ट्रिंग वगैरह लेकर आई है इधर। और देख सकते हो उधर शंख भी है, बिक रही है एकदम समुंदर के किनारे में। और ये है नाव, ठीक है, बहुत सारे लोग खरीद भी रहे हैं। और हाँ, इसका प्राइस भी मोटा मोटी रहता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। देख रहे हो बहुत ही ताज़ा मछलियाँ एकदम। पूरी पे अगर आ रहे हो तो समुंदर के किनारे से इसको खरीद कर ले जाना या फिर इधर ही खा जाना। और देख सकते हो समुंदर के किनारे ऊंट, वाओ। आपको दिखा दिया और अब तो 8 बज चुका है और हम जा रहे हैं होटल पे, क्योंकि होटल अभी तो चेक आउट हो रहा है, तो इन करेंगे हम 8 बजे से होटल पे हमको रहना देगा। तो चलो होटल पे जाके रूम दिखाते हैं और इधर पे थोड़ी देर बाद आएंगे नहाने के लिए। मैं तो नहा लूँगा नहीं शायद, लेकिन ठीक है, थोड़ा तो नहाना पड़ेगा, दोस्त बोल रहा है। तो चलो मिलते हैं फिर होटल पे जाके। सो गाइस, देख सकते हो हमारा जो रूम मिला है वो 3rd फ्लोर पे मिला है, ठीक है। और उस साइड से एकदम बहुत ही अच्छा सा नज़ारा, जो सी का नज़ारा है वो दिखा रहा है पूरा एकदम। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, रुकिए थोड़ी देर, मैं जाता हूँ उधर, देखते रहिए। मैं अपना रूम बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले दिखा दूं कि आपको जो सी साइड है, जो व्यू है वो कैसा लग रहा है इधर से। बहुत गर्मी है भाई, बहुत धूप है इधर ओडिशा में, ठीक है। ये तो सी बीच एकदम साइड पे है, हमने जो होटल वगैरह ले रखा है। हमारा जो टोटल लोग आए वो 27 और हमारा जो रूम है वो 8 रूम हमने ले लिया। देखिए दोस्तों, इधर जो रूम है होटल है, इधर इस साइड से एक मंदिर दिख रहा है, इस साइड से एक इस्कॉन का मंदिर दिख रहा है, इस साइड से पूरा एकदम व्यू। और दोस्तों इस साइड से देखिए एकदम सी, बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको दिख जाएगा इधर से। बहुत ही गर्मी है, अभी थोड़ी देर बाद मैं नहाना चाहूँगी ये समुंदर में। तो चलो पहले मैं रूम दिखा देता हूँ आप सभी को और फिर नहाने चलते हैं। नीचे सभी वेट कर रहे हैं, बहुत लोग नीचे बैठे हुए हैं। तो चलिए इधर जाते हैं, पहले जाने से आपको रूम पहले दिखा दूँ, फिर नीचे जाएंगे। सो गाइस, ये है हमारा रूम, ठीक है। ये एक बेड दिया गया इधर, रुको लाइट वगैरह जो भी कुछ है दे देता हूँ पहले। देखो ये है हमारा रूम और ये एसी रूम, क्योंकि बहुत ही गर्मी है इधर। और बाथरूम क्या दिखाऊँ, बाथरूम छोड़ दो, बाथरूम दिखने से कुछ नहीं होता। और इधर से एक प्लेस वगैरह रखा गया है, क्योंकि जो कचरा वगैरह इधर पड़ता है। तो ये एक विंडो साइड है, ये एक टीवी है और ये एक मिरर है, देख सकते हो। और ये हमारा बेड है, हम दोनों लोग इधर सोएंगे, मैं और मेरे दादा है इधर, हम सोएंगे आज रात पे। तो दोस्तों ये पूरा रूम वगैरह सब कुछ आप सभी को दिखा दिया है। ये रूम उतने भी ख़राब नहीं है, ठीक है, अच्छा है, मीडियम बजट है तो चल जाएगा। 3-4 दिनों तक हम इधर ही रहेंगे, पूरा ब्लॉग सब कुछ इधर आएंगे। और आज दोस्तों कल रात पे हम निकले थे, जो आपने पहले देखा, तो आज हमारा एक दिन का सफ़र हो रहा है अभी, फर्स्ट डे इन पूरी। सो दोस्तों पूरी में आज प्रथम दिन में हम जो कुछ भी करेंगे सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे और उसके बाद बहुत सारे साइट सीन वगैरह हम करेंगे, सब कुछ इसी वीडियो में मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसा जानकारी मैं दूंगा जो कि आप पहले नहीं जानते थे। और हाँ, भगवान जगन्नाथ देव का जो रथ यात्रा है, भगवान जगन्नाथ देव आज भी रथ पे सवारी हुई है, बैठी हुई है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। मैं जाऊंगा उधर, पहले नहा लेना, फिर नहाने के बाद हम जाएंगे उधर, ठीक है। तो दोस्तों देखते रहिए, चलो ब्रेकफास्ट करके फिर से आपसे मिलते हैं, टाटा बाय बाय। दोस्तों सुबह के नाश्ते में हमको ये ब्रेड और केला और एक मिठाई मिली है, ठीक है। सो गाइस, हम
निकल चुके हैं स्नान करने के बाद, खाने के बाद हम निकल चुके हैं प्रभु जी का दर्शन करने के लिए। तो चलो निकल जाते हैं। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं, मंदिर जाएंगे अब हमें, और मंदिर जाके देखते हैं कि उधर प्रभु जी का क्या कुछ हो रहा है, अनुष्ठान वगैरह सब कुछ मैं रिकॉर्डिंग करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि क्या कुछ हो रहा है उधर। और दोस्तों आप देख भी सकते हो, डिटेल्स में भी बोल दूँगा, ठीक है। तो चलो अभी तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर इधर से पैदल जाना पड़ेगा, फिर पैदल जाने के बाद ही मंदिर आएगा। तो चलो मंदिर में जाके मिलते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। प्रभु जी अभी तो रथ में बैठा हुआ है, देखते हैं कि उधर क्या हो रहा है, सब कुछ मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं एकदम। गाइस ये जो रास्ते आप देख सकते हो, ये रास्ते सीधा जाके एकदम पूरी मंदिर तक हम सभी को ले जाएगा, ठीक है। और ये रास्ते हमारा होटल से एकदम सीधा है, जहाँ पे हमने होटल ले रखी है वो स्वर्ग द्वार से बहुत दूर है, और इधर से मंदिर जाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो देख सकते हो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भाई लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप सब भगवान जगन्नाथ देव पूरी मंदिर का दर्शन कर रहे हो, जो कि चारों धाम में भारतवर्ष में एक है, और आप चारों धाम की एक धाम को आप दर्शन कर रहे हो इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और भी बहुत सारे लोग जैसे कि भगवान जगन्नाथ जी देव जी का ये मंदिर, और भगवान आगे जाकर आप अधरपना महोत्सव भी इसी वीडियो में देखोगे। तो जो सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हो बहुत पुण्यवान भाग्यवान हो। और दोस्तों ये देखो मंदिर के सामने ना, ये एक भगवान हनुमान जी का मंदिर है इधर। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो आपका सामने, ये है विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर, मतलब पूरी का रसोई घर, जो कि एक खुद से एक मिराकल है दोस्तों। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओ हो बाबा, जीवन धन्य हो गया। जय जगन्नाथ, जीवन धन्य हो गया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रणाम सभी एक बार बोल दीजिए, जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय माँ सुभद्रा। दोस्तों आपके सामने हाजिर है हमारा बलराम देव, जो कि आप देख सकते हो बलदेव भगवान को। दोस्तों एक बात मैं आप सभी को बता दूँ, आप अगर हमसफ़र अनुपम यूट्यूब चैनल पे आए हो तो ये जो आप उत्सव देख रहे हो, देख सकते हो कितना सिक्योरिटी है दोस्तों इधर। तो ये जो आप उत्सव देख रहे हो, देख सकते हो इधर बहुत सारे लोग अपने कंधों पे भगवान के लिए कुछ ले जा रहा है। क्या है ये उत्सव का महत्व क्या है, ठीक है। दोस्तों ये जो उत्सव है, ये है अधरपना महोत्सव, इसको बोला जाता है। और ये जो उत्सव होती है, जिस दिन भगवान जगन्नाथ देव अपने रथ से उतरकर अपने रत्न सिंहासन में जाएगा, उधर उस दिन के पहले दिन पे ये जो अधरपना महोत्सव होती है। लेकिन एक बात आप सभी को बता दूँ कि ये क्यों होती है, इसका पीछे तो एक हिस्ट्री है ना, इसका पीछे एक रहस्य है। तो अगर आप हमसफर अनुपम यूट्यूब चैनल पे आ गए हो और ये हिस्ट्री, ये रहस्य आप नहीं जान पाए, तो फिर क्या देखना, ठीक है। तो चलो
आगे में इसी वीडियो में आप सभी को बता दूं कि ये जो उत्सव होती है क्यों होती है। और हाँ, इस वीडियो के अंत में जाके आप वो भी देखोगे कि जो अदरपना महोत्सव का जो मेन रिचुअल वो भी आपको इसी वीडियो में दिखेगा। तो चलो पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है बहुत साल प्राचीन काल का एक हिस्ट्री है। दरअसल प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ देव जी को बहुत सारे भूत, प्रेत, पिशाच, सरीसृप, सांप वगैरह सब कुछ पूछा था कि प्रभु, तुम सिर्फ का मनुष्य जाति के लिए हो जो कि तुम मनुष्यों को दर्शन देती हो और उसके बाद तुम फिर अपने रत्न सिंहासन में चले जाती हो। भगवान, तुम क्या सिर्फ उन्हीं के लिए हो, इंसान के लिए हो? लेकिन प्रभु जगन्नाथ देव बोले थे, नहीं, मैं सबके लिए हूँ क्योंकि मैं जगन्नाथ हूँ, जगत के नाथ हूँ मैं। तब उन सभी ने, मतलब भूत, यक्ष, पिशाच, सरीसृप और सांप वगैरह सब कुछ ने बोला था। तो फिर प्रभु रथ से उतरने के बाद अगर तुम जब रत्न सिंहासन में जाते हो तो हमारे लिए क्या रख कर जाते हो? हमारे लिए भी कुछ रखो क्योंकि प्रभु अब जगत का नाथ हो, जगन्नाथ हो, तो हम सबके लिए भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। तो इसलिए प्रभु जगन्नाथ देव जी ने उन सभी पर कृपा किया था। क्या किया था प्रभु ने? प्रभु ने यही किया था कि प्रभु उन सभी को वचन दिया था कि मैं इस साल के बाद से जब भी मैं अपने रथ से उतरकर रत्न सिंहासन जाऊँ उसके पहले दिन मेरा प्रसाद तुम सब ग्रहण करोगे। और हाँ, वो भी मेरा रथ पर ही होगा, ठीक है, जिसका नाम होगा अधरपना। तो इस रिचुअल में होता क्या है? दोस्तों, इस रिचुअल में होता है कि प्रभु जगन्नाथ देव जी का सामने, बलराम देव जी का सामने और माता सुभद्रा देवी का सामने ना, तीन बहुत बड़े बड़े पत्र जो कि मिट्टी से बना हुआ है वो रख दिया जाता है और उसमें घोल बनाया जाता है, ठीक है। तुलसी का पत्र, दूध, दही और पानी वगैरह सब कुछ देकर एक मिश्रित घोल बनाया जाती है जो कि प्रभु का जो अष्ट है, मतलब निम्न वाले ठोंठ, उन ठोंठ के साइज के बराबर के रखा जाता है, जो आप सामने देख सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, इधर ना कुछ लोग अपने मुँह को ढका हुआ है, ठीक है, और ढका होने के बाद ही वो भोग प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि वो जो भोग का जो घ्राण होती है ना, जो गंध होती है वो उसके नाक में ना जाए, तो इसीलिए ये कर रहा है। देख सकते हो दोस्तों, ये जो रिचुअल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है हिंदू सनातन धर्म में, और जगन्नाथपुरी में तो इसको एकदम प्रभु जी का आशीर्वाद माना जाती है। और इसी दिन आगे इस वीडियो में आप जो दिखेगा ना आपको, वो ही प्रसाद रथ से नीचे जाता है, मतलब गिरता है, पानी है ना तो गिरता है, और वही वो जक्ष, पिशाच, राक्षस, सरीसृप, सांप, भूत, प्रेत वगैरह सब कुछ ग्रहण करता है और वो भी खुश होता है। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, भगवान जगन्नाथ देव जी उन सभी का परीक्षा भी लेते हैं इधर, क्योंकि प्रभु जी अगर परमिशन देगा तो भी ये उत्सव अधरपना का महोत्सव कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान जगन्नाथ जी का आदेश मिला तभी शुरू होगा, नहीं तो नहीं शुरू होगा। सब कुछ भगवान जगन्नाथ देवी जानती है कि वो क्या चाहती है, मनुष्य और इधर जो पुजारी है वो कुछ नहीं जानता है। और मैं तो भगवान हूँ कि मैं ये अधरपना महोत्सव दर्शन कर सका, और इसीलिए आप सभी लोगों के लिए भी अधरपना महोत्सव का जो भाग्यवान पुण्यवान दर्शन आप सभी भी कर पाए, इसलिए मैं इस वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को देखते रहो, चलो अधरपना महोत्सव कैसे होते हैं वो देख लो, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना सनातन धर्म के प्रचार के लिए। और जो भगवान है वो तो दर्शन कर ही रहे हैं हम सफर अनुपम यूट्यूब चैनल के द्वारा, और तुम्हारे परिवार के लोगों तक भी ये शेयर कर दो क्योंकि वो भी ये महोत्सव देख पाए, ठीक है गाइस, देखते रहो। जगन्नाथ देव का जो अधरपन उत्सव था वो कंप्लीट हो चुका है और मेरा अवस्था बहुत ख़राब है, बहुत गर्मी है इधर और बहुत भीड़ था, तो क्या है कि प्रॉब्लम हो गया, तो अभी तो ख़त्म हो गया और मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है, तो चलो घर जाके मिलते हैं फिर। गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ होटल पे, ठीक है, बहुत अच्छा प्रभु जी ने
कष्ट दिया है मुझे, क्योंकि बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत गर्मी है, बहुत भीड़ है। और मैं अभी रूम पे जाऊंगा, फिर थोड़ा सा आराम करूंगा, ठीक है, फिर मिलते हैं आप सबसे, ठीक है दोस्तों।